सेमेस्टर फोर पेपर वन, और पेपर वन में हमारे पास में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, पंडित टोडरमल जी का ग्रंथ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहला दूसरा अधिकार। सेमेस्टर फोर में तीसरा और चौथा अधिकार सिलेबस में है, और इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा रिवीजन किया था, दूसरे अधिकार का थोड़ा सा रिवीजन किया था, क्योंकि ये दूसरा और तीसरा इंटरकनेक्टेड हैं, थोड़े एक स्टेप आगे है, तो हमको पहले वाला स्टेप ख्याल में रहना चाहिए, इसलिए दूसरे का रिवीजन किया था। और मंगलाचरण को हमने थोड़ा सा समझा था। हम फिर से मंगलाचरण से ही प्रारंभ करेंगे, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम 3 पेज तक, एटलीस्ट पेज 45 से 47 तक आज कंप्लीट कर लें। मैं पढ़ रही हूँ अभी ग्रंथ के अंदर से जो चैप्टर है, और 2-3 पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक्सपेक्ट करूंगी अब आप लोग इस तरह से पढ़ें कि पढ़ते पढ़ते ही हमें विषय ख्याल में आए, मतलब धीरजता से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कि जहां पे ब्रेक करना है वहां ब्रेक करें। उससे क्या होगा कि पढ़ते पढ़ते ही आपको बहुत अच्छे से ख्याल में आ जाएगा, और फिर जब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी तो वो और अच्छे से आपको ग्रहण हो जाएगा विषय, और विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। इसका मंगलाचरण तो अभी आपने पढ़ा ही है, तो सो निज भाव सदा सुखद, निज भाव की बात की है देखिए, और अपने भाव की बात की है, दूसरे के भाव की बात नहीं की। और उसी पहली लाइन में क्या कहा, अपनों करो प्रकाश, और प्रकाश भी अपना ही करना है, दूसरे के घर में जाके लाइटें नहीं जलानी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम अब तक क्या करते हैं, हम दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं, हमें कोई भी चीज अच्छी मिल जाती है तो हम क्या सोचते हैं, फैला दें हम, है ना, फॉरवर्ड कर दें चीजों को, एक दूसरे को बता दें। पंडित जी कह रहे अपनों ही करो, अपने तक ही रहो, अभी अभी अपना कर लो पहले, दूसरे का तो अपने आप हो जाएगा आपके होते हुए देखने से। आपके घर में लाइट जल रही तो दूसरे को दिख जाएगा आपके घर में प्रकाश हो रहा है ना, फिर आपने कैसे किया वो पूछ भी लेगा, अगर उसके नहीं आ रही तो, कि उसके लाइट नहीं आ रही तो पूछ लेगा वो। तो हमेशा अपने तरफ पहले ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए कहा है सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। एक तो अपना काम करने के लिए, दूसरा अपना प्रकाश करने के लिए। अपना निज भाव जो है वो सुखद है, सुख देने वाला है, और सदा है, यानी कि अभी है। हमें जो सुख लगता है वो कैसा लगता है, टेम्पररी लगता है। अभी खाना खा लिया, अभी हम सुखी हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, चाय की प्यास लगेगी। जो चाय पीते हैं उनको चाय उकाली, जो पीते हैं उकाली, और नहीं पीते तो बहुत ही बढ़िया बात है, शाम को भोजन करेंगे तो तब लगेगी भूख। तो हमारा ये सुख परमानेंट नहीं है, लेकिन जो निज भाव है वो सदा कैसा है, सुख देने वाला है। और क्या होने वाला है इससे, जो बहुविधि भव दुखनी को, भव के जो दुख हैं, संसार के जो दुख हैं, वो कैसे हैं, बहुविधि बहुत प्रकार के, उनकी सत्ता का नाश करने को, क्या नाश करने वाला है, ये निज भाव। ये निज भाव जिसका हमने प्रकाश किया है वो कैसा है, अब दुख की सत्ता का नाश करने वाला है। मतलब अब अगर हमने स्वभाव का अनुभव कर लिया तो हमारे संसार का अभाव होना तय है। अब संसार का अभाव नहीं हो रहा तो मतलब क्या है कि हमें स्वभाव का अनुभव नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। अथ अथ जब शुरू करते हैं किसी चीज को, तो अथ शब्द संस्कृत में लिखा जाता है, अथ और इति, ये 2 शब्द हैं। इति एंड के लिए कहते हैं, और अथ प्रारंभ करने के लिए, फिर या और, इस तरह से मीनिंग लिया जाता है। अब आपने देखा होगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में भी, इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इति श्री महाभारत कथा जब पहले आती थी टीवी पर तो इति वर्ड लगता था, एंड होने के लिए, एंड बताने के लिए इति शब्द का प्रयोग किया जाता था, कि अब यहाँ पर आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। अब कहा अथ, अब हम करते हैं किसकी चर्चा, इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं। क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें, इस संसार में अनेक दुख है, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। देखिए अब पंडित जी क्या कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो यहां पर बताना चाह रहे हैं कि जो कहा ना ऊपर मंगलाचरण में, कि तुम दुखों का नाश हो जाएगा, बहुत प्रकार के दुख हैं, तो उन सब की चर्चा आगे करने वाले हैं। तो इसलिए कहा कि संसार अवस्था में जो अवस्था हमारी है, जो हम पहले अधिकार में देख कर आए ना अपनी अवस्था, संसार की अवस्था, तो उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं, और उनका अब हम वर्णन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दुखों का।
और उसके अंदर भी कहा कि यदि संसार में सुख हो, अगर यहाँ पे सुख मिल रहा हो, तो फिर मुक्त होने का उपाय करने की जरूरत ही क्या। ये इतने आगम जो लिखे गए हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। जब दुख है ही नहीं संसार में, संसार में सुखी है, तो हमको छूटना सुख से थोड़ी है, ये तो दुख से छूटने का उपाय है मोक्ष। तो इसलिए कहा कि एक तो दुख बताएंगे अनेक प्रकार के, और साथ में उनसे मुक्त होने का उपाय भी बताएंगे। इसके अधिकार का नाम क्या है? संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण, इसलिए कहा है। अब यहाँ पर देखिए, जो आगे एग्जाम्पल दिया है वो है वैद्य का एग्जाम्पल पहले भी आया था। अब हमको वैद्य के पास जब हम जाते हैं तो क्या करता है? पहले तो हमारी ही सुनता है, हमसे सुन के ही तो निर्णय करेगा, बताएगा। उसको थोड़ी सपने आ जाएंगे कि हमको क्या समस्या है, तो सुनेगा और फिर उसके बाद में हमको समझाएगा कि देखो साहब आपके घुटने खराब हो गए, घिस गए हैं, अब ये फट सकता है इसका मांस भी। बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स बताएगा और फिर समझाएगा कि अब नए डलवा लो, समय आ गया है। क्या करेगा वो? इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कि आपको घुटने बदलवाने हैं, तो इसके लिए वो करेगा। और फिर क्या कहेगा? देखो जान है तो जहान है, अब खर्चा तो है, लेकिन दुनिया भर का खर्चा वैसे भी करते हैं, लेकिन अगर इसको करने से आप सुखी हो जाओगे, आपको आराम मिल जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? इतने से इसमें इससे इससे इस दुख से छूट जाओगे तो खर्चा क्या चीज है? कुछ नहीं है। तो इस तरह से वो आपको किसी भी तरह से मेंटली रेडी कर लेगा कि आपको कर्ज भी लेना पड़े तो भी आप ये काम कर लो, क्योंकि अब आपकी समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर वैद्य के स्थान पर श्री गुरु को रखा कि श्री गुरु जो है वो पहले तो बताएंगे तुम्हें बीमारी कौन सी है, कौन सा रोग है, कहेंगे कर्म बंधन रूपी तुमको रोग है, और फिर इसी को कर्म बंधन रूपी जो रोग है उसी को संसार रोग कह दो, संसार दुख कह दो। अब फिर उसकी अवस्थाओं का वर्णन करके उसके उपाय में रुचि कराएंगे, उसके उपाय में रुचि कराएंगे कि अब आपको इनका इलाज करना चाहिए। अब देखो कई लोग तो जान लेते हैं कि मुझे बीमारी है, पता लग जाता है कि है बीमारी मुझको, लेकिन इलाज कराने में इंटरेस्टेड नहीं होते। नहीं हुआ हमारे साथ कई बार ऐसा कि पता तो लग गया लेकिन और दूसरी समस्याएं बड़ी लग रही हैं, तो हम इस समस्या को महत्व नहीं दे रहे, गौण कर रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं हो रहे अभी इसका इलाज करा रहे। कराना है पीछे, अभी नहीं, अभी नहीं कर रहे, अभी इंटरेस्टेड नहीं है, है ना। कोरोना के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, कुछ लोगों को पता तो लग गया था कि उनको हो गया है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। अब वो बात अलग है कि उस समय बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी चीजें चल रही थी, वो चीज अलग है। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हमको पता भी लग जाए तो भी हम इलाज कराने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो पाते कई बार। तो यहाँ जो कोडोनोजी का जो वैद्य है ना, वो ऐसा काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा? पहले तो मूल कारण बताएगा रोग के, फिर सच्चा उपाय बताएगा, और साथ में कहेगा कि तुम जो ये उपाय कर रहे हो ना, तुम्हारे सारे उपाय कैसे नकली है, झूठे हैं, बेकार के हैं। और फिर कहेगा ये उपाय करो, ये है सच्चा उपाय। फिर आपके अंदर वो उसको करने का इंटरेस्ट पैदा। पार्लर में भी हम जाते हैं, हम सभी जाते हैं आईब्रोज बनवाने, तो क्या होता है आईब्रोज को देख करके? अक्सर पार्लर वाली ये कहती कहाँ से बनवाई है, मतलब आपको ये बताना चाहती है कि ये काम आपका ठीक नहीं हुआ है, और अब मैं जो कर रही हूँ ना वो अच्छा कर रही हूँ, वो ये सही है, अब आपको यहाँ आना चाहिए, मैं क्योंकि मैं सही काम करती हूँ। तो इस तरह से हमको जीवन में अनेक स्थानों पर ऐसे एक्सपीरियंस होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है कि कोई रोगी हो और उसे रोग का मूल कारण नहीं पता हो तो क्या होगा? वो सच्चे उपाय नहीं करेगा और उसका उसको दुख सहा नहीं जाएगा, तो क्या करेगा? फिर इधर उधर ही घूमेगा ना, उल्टे सीधे उपाय करेगा, जिसने जो बता दिया कर लेगा, किसी ने बताया ऐसा कर लो तो वैसा कर लेगा, किसी ने कहा यहाँ सर टेक लो तो वहां टेक लेगा, किसी ने कहा ताबीज बांध लो ताबीज भी बांध लेगा, ये उपाय करना ये उपाय कर लेगा वो, जो जो जैसा कहेगा वैसा कर लेगा, है ना। अभी तक बचपन से अब तक हमने क्या अनेक प्रकार के दुख नहीं सहन किए? ऐसा थोड़ी कि हमें सुखी सुखी रहे हैं। तो क्या उपाय किए हमने? कुछ समझ में नहीं आए तो हमने बच्चों को भी पीटा है, दीवार पर भी सिर पीटा है। आपने देखा होगा ना छोटे बच्चे होते जब वश नहीं चलता तो दीवार पर अपना सर पीटने लग जाते हैं, क्यों? क्यों? दुख दूर करने के लिए, कुछ बस नहीं चल रहा है ना अपना, तो क्या सर दीवार पर फोड़ने से दुख दूर होता है क्या? उनको नहीं पता ना ये वाली बात। तो ऐसे अगर हमारे खुजली हो
तो जीव क्या करता है, पास में जो चीज रखी है उससे खुजली कर लेता है। मुझे कई बार हंसी आती है, वो कई बार दिखाते हैं कि लेडीज बेलन से सर खुजा रही है, मेरे को तो ये बात कभी समझ में नहीं आई, लेकिन वो देते हैं तो शायद गांव में ऐसा होता हो, कहीं पे किया हो किसी ने, होता होगा। लेकिन लोग कंघा है, हैंगर है, मैंने पैन है, इनसे करते देखा है, लोग जो चीज पास में रखी है उससे खुजा लेते हैं, पीठ वगैरह पे खुजली, तो ये क्या कर रहे हैं, और उनको परेशानी हो जाएगी, कहीं खून भी निकल सकता है। अब उनको मूल कारण तो पता नहीं कि खुजली क्यों हो रही है, पर वो सच्चा उपाय पता नहीं है, उल्टे सीधे उपाय कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो वैद्य का उदाहरण देकर के पंडित जी आगे वाले पैराग्राफ में हमको ये बताने वाले हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि फिर हम उसको पूरा रीड कर लेंगे, कि वैद्य का उदाहरण देकर के हमको यहाँ पे बताएंगे कि वैद्य सबसे पहले क्या काम करेगा, वो रोग का मूल कारण बताएगा, मूल कारण बताएगा कि तुमने ये खाया था, ये पिया था, तुम यहाँ घूमे थे, तुमने ऐसा किया था, तो इस कारण से ये रोग हुआ है। तो मूल कारण पता चले कि रोग उत्पन्न क्यों हुआ, इसके इसका रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, वो पता लगाएगा, तो वो बताएगा। और फिर वैद्य का दूसरा काम क्या है कि तुम ये जो उपाय कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, ये अब तक तुमने जो किया ना उससे चीज बढ़ गई है, घटी नहीं है, तो तुम्हारे उपाय झूठे हैं, नकली है, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, भला नहीं होगा, हित नहीं है तुम्हारा इसके अंदर। और फिर तीसरा काम क्या करेगा, अब जो मैं उपाय बता रहा हूं ना वो सच्चा है, उसकी प्रतीति कराएगा, उसकी रुचि कराएगा। अब अनादि काल से हमको विपरीतता थी हमारे श्रद्धान में, यही तो कारण था ना कि हम घूम रहे हैं। तो ऐसे ही वैद्य हमको सच पूछा जाए, सुहाता है क्या, कौन वैद्य से मिलना चाहता है, डॉक्टर से मिलना चाहता है, कोई भी नहीं मिलना चाहता। डॉक्टर का नाम मत लो भाई, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े उसकी बात मत करो, सब लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, लेकिन हमें ये सौभाग्य समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई वैद्य है, कौन, टोडरमल जी। और वो रोग को बढ़ने से पहले हमको बता रहे हैं हमारे रोग के लक्षण देख करके। तो अगर कोई वैद्य हमारे जीवन में ऐसा हो जो हमारे लक्षण देख करके उसके नाश के उपाय बता दे तो कितना बढ़िया, रोग बढ़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं रोग का मूल कारण खोजो, और अगर हमें मूल कारण नहीं मालूम तो हम जो भी प्रयास करेंगे वो कैसे होंगे, झूठे होंगे। तो यहाँ दो चीजें चल रही, रोग का मूल कारण और एक आप जो रोग को मिटाने का उपाय कर रहे हो उसको झूठा बताए। कोई ऐसा करे व्यवहार में तो ये कष्टकारक नहीं होगा, अरे हमारी चीजों को आप गलत कह रहे हो और हमारे ही मुंह पे हमारे ही उपायों को आप बेकार कह रहे हो, कहेगा कि नहीं कहेगा, सोचेगा कि नहीं सोचेगा। देखो मोह मंद हुआ होगा ना तो आप सुन लेंगे और उसके नाश का उपाय भी करेंगे, और अगर मोह तीव्र हुआ तो एक तो सुनने को भी ना मिले ऐसी बात, और सुनने में आ भी जाए तो सुनेंगे भी नहीं, ये और कहेंगे क्या उलझुल बातें कर रहे हो, इससे आपको ये रोग का नाश होगा, आपको क्या समझ आ रहा है, आपको उसको सूझेगा ही नहीं, जो आप बात कह रहे हो उसको ख्याल में आएगी ही नहीं। तो दोनों बातें यहाँ पे साफ साफ चलेंगी कि रोग का मूल कारण क्या है और तुम जो उपाय कर रहे हो वो झूठे हैं, और आप सच्चे उपाय से प्रीति कराएंगे। बहुत बढ़िया प्रकरण है, और थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे तो फिर हमको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कि सही क्या है गलत क्या है, हम खुद समझने लग जाएंगे कि किस रास्ते पर हमको बढ़ना चाहिए, किस रास्ते की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रकरण है, क्योंकि पंडित जी की शैली ऐसी है कि वो कभी ये नहीं कहते कि है ना मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। अपन तो ऐसी भाषा में बात करते हैं, ये पंडित जी नहीं कर रहे हैं ग्रंथ में ऐसी भाषा में कि मुझे ये बात जिनवाणी में कहीं मिली नहीं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ तुम सुनो, नहीं, उनकी शैली क्या है, वस्तु स्थिति तो ऐसी है और तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, परंतु शास्त्र और युक्ति ये कह रही है, अब आप निर्णय कर लो। वो तो सारी बातें खोल करके हमारे सामने रख रहे हैं, अब हमको समझना है कि हमको किस तरह से उसको एड्रेस करना है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ उसको, देखिए उदाहरण को पेज 45 के ऊपर। जैसे जैसे वैद्य रोग का निदान, निदान मतलब उसके कारण रोग के जो है, और उसकी अवस्थाओं का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है, उसी प्रकार यहां संसार का निदान तथा उसकी अवस्थाओं का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की
रुचि कराते हैं। देखिए ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अब उदाहरण क्या दे रहे हैं, रोगी का। रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसको मूल कारण पर नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता। तब जो उसे भासित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है, उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। ये एरिया कैसा है, क्वेश्चन बनने वाला, जहां पे चार पांच बातें आ जाएं तो ऑप्शंस खड़े हो जाते हैं, तो वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हमारे तैयार हो जाते हैं। चार बातें कह दी, वैद्य दुख का मूल कारण बताए, फिर उसके बाद में उसका स्वरूप बताए, उनको झूठा बतलाए और फिर सच्चे उपाय करने की रुचि कराए। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता, तब अपने को भासित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है, उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं और उन उपायों को झूठे बतलाए तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, इसलिए यहाँ यह वर्णन यहाँ करती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा कि तब अपने को भासित हो वही उपाय करता है। भासित होने से मतलब भासित होना, महसूस होना, अनुभवन होना, तब उपाय करते हैं। मतलब आपको रोग की जो इंटेंसिटी है वो जब तक उसकी भाव भासना नहीं होगी, उसकी फीलिंग नहीं होगी, आप काम नहीं करेंगे। देखो हम कितनी बार ऐसा होता है, कितनी चीजें हम बोलते हैं, करते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते, बस सुन के काम चला लेते हैं ऊपर ऊपर से, मोटे मोटे से, है ना, गहराई में नहीं जाते। गहराई में नहीं जाने से मतलब उसको फॉलो नहीं करते। हम बच्चों को नहीं कहते तो एक कान से सुन रहा है दूसरे कान से निकाल रहा, कितनी देर से कह रही हूँ तू ये ना पढ़ ले, लेकिन पढ़ नहीं रहा। मतलब क्या है, क्या उसने सुना नहीं है? सुना है, उसने एक्शन में लाया नहीं है, उसने आपने उसको पढ़ते हुए देखा नहीं, इसलिए आप क्या कह रहे हो, सुन नहीं रहा है। तो ऐसे उसको भाषण नहीं हुआ, भाव भाषण नहीं हुआ है कि मम्मी जो कह रही है उसका मतलब क्या है, मुझे पढ़ने बैठना है, वो अभी भी अपने काम में लगा। तो भाषित होना, तो अपने को भाषित हो वही उपाय करता। तो जिस तरह का हमको जहां पे रुचि लग जाए, जहां पे हमको ऐसा लगे कि यही मेरे लिए सही है, तो हम उसी काम को करने लग जाते हैं। तो वो वाली चर्चा यहाँ पर पंडित जी ने की है। अब मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, ये तीन की चर्चा आगे करने वाले हैं। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें मूल कारण पता होता है तो हमारा काम हो जाता है, और मूल कारण पता नहीं होता उल्टे सीधे काम करते हैं। अभी जैसे कि बीमारी का भी इलाज बता रहे हैं पंडित जी, ठीक है ना, तो बीमारी के इलाज में उन्होंने क्या किया, संसार के जो दुख है उनका मूल कारण बता रहे हैं। तो आगे मूल कारण आ रहा है, तो मूल कारण उन्होंने अलग अलग एंगल से उठाया। पहला जो एंगल है वो है कर्म की अपेक्षा से, आगे एक और एंगल आएगा उस इंद्रियों की अपेक्षा से, वो आगे बताएंगे। तो यहाँ पर एक अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से बात चलती। अब जब कर्म की अपेक्षा से चलेगी तो आठों कर्म आके खड़े हो जाएंगे, तो आठों कर्मों से रिलेटेड फिर चर्चा चलेगी। अब यहाँ पर क्या है कि कर्म की अपेक्षा से जब बात की है तो उन्होंने तीन मूल कारण बताए, मूल कारण। तो उनको अगर हमने समझ लिया ना तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। हमें हर चीज के, जिसे कहते हैं ना, हमको फिर वो दुख के कारण समझ आ जाएंगे तो फिर दुखी नहीं रहेगा। देखिए मैं इसको पढ़ती हूँ, आगे फिर देखते हैं, फिर उसके बाद जो ज्ञानावरण आदि है वो आप लोग पढ़ना। वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। ये जिसे कहते हैं ना गोल्डन सेंटेंस, गोल्डन सेंटेंस, ये आपको याद नहीं रट लेना है। क्या है सब दुखों का, सब दुखों का मतलब क्या, एवरी, है ना, सारे दुखों का, एवरी वर्ड हमको समझना, क्योंकि सब दुखों से हमको अभी भी भाव भासना नहीं होती। कौन कौन से दुख है हमारे, आप बताओ कौन कौन से दुख है, कौन बताएगा किसको क्या दुख है, बोलिए रीटा जी क्या दुख है आपको। मैं
नहीं, मोटे वो मत छोड़िए, शरीर के बता दीजिए अभी तो, जो संसार का दुख सिर दर्द है, पैर दर्द है, शरीर हाँ दर्द है, आ रहे हैं। हाँ जी, दीपाली जी आपको क्या रोग है, क्या दुख है? बहुत है है ना, लेकिन देखो आपने उनको भी कह दिया बहुत है, और पंडित जी कह रहे हैं सारे सारे दुख। अब सारे के अंदर जब हम चर्चा करेंगे ना, तब हमको ख्याल है अच्छा ये भी है, ये भी है, लंबी लिस्ट है, एंडलेस लिस्ट है, जितने भी प्रकार के दुख दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, कोई निर्धन है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई अंधा है, कोई काना है, कोई मन से परेशान है, कोई के परिवार छोटा है, किसी के परिवार नहीं बढ़ रहा है, किसी को किस कोई दुख है, किसी को अनेकों प्रकार के दुख हैं। ये तो मोटे मोटे दुख दिख रहे हैं, और जब हम अपने शरीर पे आते हैं तो पूछो मत, हर दिन एक नया दुख है, हर समय एक नया दुख है। और भी कुछ नहीं था, अभी हम चर्चा करेंगे बहुत सारी बातों की, जो तरह तरह के दुख है उनकी भी, तब हमको पता लगेगा कि कितने क्या क्या है। देखो कितना उत्कृष्ट ग्रंथ है कि दुनिया के समस्त लोगों के दुखों का मूल कारण बता रहे हैं पंडित जी। अब मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सच में सर दर्द हो रहा है, मैं एग्जाम्पल नहीं दे रही, मेरा सच में सर दर्द हो रहा है, तो अब हम क्या कहेंगे, मूल कारण क्या है? मेरा मिथ्या दर्शन, मेरा अज्ञान और मेरा असंयम। क्यों? क्योंकि तो पंडित जी ने लिखा है भाई कि सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। आप कहेंगे कि लो अगर आपके सर दर्द हो इन केस, तो आप क्या कहेंगे, पहले ही सर दर्द हो रहा था, अभी ऐसी बातें और करके और बढ़ाओगे क्या? आप अब चुप ही रहो, अभी रहने दो अभी। अब ये स्थिति हो जाती है। अब अगर मान लीजिए हमने खाना खाने बैठे, दाल में कोई बाल आ गया, कोई कंकर आ गया, कहीं पे आप बाहर खाना खाने गए, तुरंत क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। अब ये दुख हुआ कि नहीं हुआ? तो इस दुख का मूल कारण क्या है? पंडित जी कहते हैं मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असत्य। अब आपके घर में जो खराब बहू आ गई है ना, उसका कारण क्या है? खराब बहू क्या? खराब बहू की तरफ से कहो तो खराब सास मिल गई है, तो उसका कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असत्य। छत से पानी टपक रहा है, बारिश का मौसम है, दुखी हो रहे हैं, तो हम बहुत दुखी हैं, तो मूल कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असत्य। बच्चे कहना नहीं मानते, क्या दुख का कारण है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असत्य। गाड़ी खराब हो गई है, दुखी हो रहे हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असत्य। हमें कोई पूछता ही नहीं है घर में, मेरी तो चलती ही नहीं है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असत्य। अब 3 बज गए हैं, क्लास के टाइम हो रहा है और नींद लग गई, अलार्म नहीं बजा। अब जैसे ही नींद खुली, अरे राम रे, क्लास तो स्टार्ट। अब ये क्या दुख हो गया आपको? तो क्या है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। जहां जहां दुख की सत्ता दिखाई दे, वहां आंख बंद करके बोल देना कि इसका मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। आप तो इस दुख बोलो, आपके पास क्या दुख है? कारण तो यही है। अब आप कहोगे कि ये तो बढ़िया बात है, दुख तो बहुत सारे और कारण एक ही है। अरे भाई, पेड़ के ऊपर पत्तियां बहुत होती है, ब्रांचेस बहुत होती है, रूट तो नीचे होते हैं, बस उतनी ही होती है जितनी है, तो रूट कॉज तो उतना ही रहेगा ना। ये थोड़े कि हर चीज के लिए अलग अलग हो जाने वाला है। आपके दुखों का सारा अगर हम गहराई में जाएंगे, तो मूल कारण आपका मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अभी क्या है कि यहाँ पर पंडित जी बताएंगे हमको इन सब चीजों के बारे में, कि ये जो जैसे पहले उन्होंने वैद्य का उदाहरण दिया है ना, रोग का मूल कारण बतलाया, अब उपायों को झूठा भी कहेंगे और डांटेंगे भी, उल्टे सीधे उपाय करते रहते हो, और फिर क्या कहेंगे कि तुमको, जैसे हम वैद्य के पास जाते हैं तो वो हमको कभी स्क्रीन पे बताता है ना, कभी हमको कोई मॉडल से बताता है कि देखो ये आपके जो रीढ़ की हड्डी है ना, यहाँ 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 ये ऐसे गैप होता है, यहाँ पे ये नर्व आपकी कंप्रेस हो गई है, ये ऐसे हो गई है, तो ये सारी चीजें हमको समझाएगा है ना, और फिर हमको अंदर से प्रतीति कराएगा कि हाँ, फिर हमको क्या लगेगा, डॉक्टर सही कहता है, बात तो सही है, लक्षण तो सही बता रहा है, और हम ये जो उल्टे सीधे उपाय कर रहे हैं ना, वो भी ये सही कह रहा है कि गलत ही है ये, और अब ये जो उपाय बता रहा है ना, ये सच्चे उपाय हैं। तो इससे क्या होगा, अब आप ईमानदारी से उसका इलाज कराएंगे और इलाज करा के स्वस्थ हो जाएंगे। ये लोक न्याय की बात है ना। तो मोक्ष मार्ग में भी श्री गुरु कुछ ऐसे ही करेंगे, वो मूल कारण बतलाएंगे, और मूल कारण क्या बतलाया? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। किसके मूल कारण है? दुखों के, सब प्रकार के, जितने प्रकार के दुख होते हैं, ये समझ लो सारा संसार है। कैसे इस संसार के चप्पे चप्पे पे हमारा जन्म हुआ है, विश्वास होता है इस बात पे कि हमने कौन सा सुख नहीं भोगा और कौन सा दुख नहीं भोगा,
हमें अभी ऐसा लगता है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो मिल जाए तो अच्छा है। अरे सब तो मिल चुका था और तुम भी भूल गए, अब भी मिल जाएगा तो भी भूल जाओगे, क्या फर्क पड़ जाने वाला है। हमने एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीवों में जन्म लिया, संगी भी बने असंगी भी बने, पेड़ पौधे बनकर के पीड़ाएं भोगे। पता है सच बात कहूं ना, मैं जब किसी बड़े पेड़ को देखती हूँ, पेड़ पौधों को देखती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कितना परवश है, मैं कभी ऐसे ही रही होंगी ना, निकाला होगा ना मैंने समय, किसी ने पानी दिया तो पी लिया होगा, नहीं दिया तो नहीं, भूखे ही रहे होंगे, प्यासे रहे होंगे, और है ना जब आंधी चली होगी तो कैसे हम हिले डुले होंगे और लोग खुश हो रहे होंगे, और हमारे पेड़ हमारे ऊपर से किसी ने पत्तियां तोड़ी होंगी, किसी ने डालियां काटी होंगी, किसी कैसी कैसी वेदना हुई होगी, तो ये सब हमारे साथ नहीं हुई होगी क्या? ये हमें महसूस ही नहीं होता। हमें बाहर से चीजें दिखती हैं, देखो जब तक जब हमने गतियों की चर्चा की है ना, इंद्रियों की चर्चा की, तो ये भावासन होना चाहिए कि मेरी बात है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हुआ हूं, तो ये विश्वास आना चाहिए। जब ये विश्वास हुए तो अब हमको समझ में आए कि मेरे दुख के कारण क्या है, मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम। अब ये जो हम कभी कभी होते हैं ना, दो दो तीन तीन घंटे मुंह फुला करके लोग घूमते रहते हैं, कभी हम भी करते हैं, कभी दूसरे भी करते हैं, और तब क्या होता है, बात नहीं करते और अंदर अंदर बेचैन रहते हैं। अब बताओ समस्या क्या है, आपको पीड़ा हो रही है, और क्या रहस्य बता रहे हैं पंडित जी, ये जो तुमने मुंह फुला रखा है ना, तो तुमने जो मुंह फुला रखा है दूसरे वाक्य के कारण ही फुला रखा है ना, ताकि उसको समझ आए कि तुम नाराज हो, कह पा नहीं रहा, बता पा नहीं रहा है अपनी पीड़ा को, और मुंह फुला करके ये जताना चाहता है कि मैं तुम्हारी वजह से नाराज हूं। और दुखी कौन हो रहा है, खुद भी हो रहा है, और सामने वाला देख देख के दुखी हो रहा है, ये बोल नहीं रहा, ये बात नहीं कर रहा, नाराज बैठा है, वो इसलिए दुखी हो रहा है। तो उन दोनों के पीछे जो कारण है वो क्या है, मिथ्या दर्शन अज्ञान और असत्य। अब देखिए अपने जीवन भर के अंदर जहां जहां आपको दुख मिलते हैं, देखो जीवन तो दुखों से भरा भरा है हमारा, है ना, तो अब आप देखो हर जगह अब आपको मिथ्या दर्शन अज्ञान और असत्य। अब मैं कितनी भी बार आपको ये बात बोल दूं, लेकिन आपको अभी भी भाव भाषण नहीं होगा, क्यों? क्योंकि शब्दों के अर्थ ही नहीं पता, ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस लिए कहना चाह रहे हैं। तो पंडित जी ने आगे हमको कुछ चीजें बतलाई हैं, जनरल जनरल थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दी है, पर डिटेलिंग आगे करेंगे। तो क्या कहा, जो दर्शन मोह के उदय से हुआ, अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन है। ये क्या हो गया, जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान, वो क्या है, मिथ्या दर्शन है। ठीक है, एक बात, उससे अब इस मिथ्या दर्शन से क्या हुआ, उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती है, तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोक्षम रूप ज्ञान है वह अज्ञान हो रहा है। देखो एक का इम्पैक्ट, एक का इफेक्ट दूसरी चीज पर कैसे आ रहा है। आगे क्या कहा, इससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है, तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव, उसका नाम असंयम है, उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसे नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। अब देखो यहाँ पर मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम को अगर हम कहें तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चित्र में पता है उनके अपोजिट असंयम, नाम से बता दिया, शब्द से बता दिया है ना। अब ये क्या कहा कि ये दुख के कारण है, और अब मैं बार बार बोल रही तो आप भी कहोगे ठीक है होंगे यही मान लेते हैं भाई, आगे तो चढ़ो आप, आगे बढ़ो आप, गाड़ी तो बढ़ाओ, तो मान लोगे कि हाँ भाई ठीक है आपके कहने से मान लेते हैं। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें अभी भी ख्याल में नहीं आने वाला है, तो अभी और डिटेलिंग करके आगे बताएंगे। अब अंदर से तो माना नहीं है, बाहर से तो मान लिया कि अभी एक घंटे बैठकर सुनना है इनको, तो भैया मान लो ताकि गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। अब पंडित जी को चूंकि पता है ना कि भाव भाषण नहीं हुआ है, तो इसलिए वो आगे फिर हमको ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों का एक एक का ले करके डिटेल में बताएंगे। पर अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा एक मोटे रूप से कि इसके अंदर क्या क्या चर्चा चली है यहाँ पर, कि ये जो दर्शन मोह के उदय से, देखो सम्यक दर्शन कब नहीं होता है, जब हमको दर्शन मोह के अंदर प्रॉब्लम आती है, श्रद्धान में प्रॉब्लम आती है, तो सम्यक दर्शन का रिलेशन किससे है, श्रद्धान से। यहाँ दर्शन किससे का मतलब क्या, श्रद्धान, तो मिथ्या दर्शन का मतलब मिथ्या श्रद्धान। जो दर्शन मोह के उदय से
जब दर्शन मोह का उदय हुआ, दर्शन मोहनीय कर्म का उदय हुआ, तो उससे हमको क्या हुआ, अतत्व श्रद्धान, तत्व का सही श्रद्धान नहीं हुआ, जो चीज जैसी है वैसी पता नहीं लगी, ठीक है ना। अब आंख का काम क्या है, जानना, देखने का काम, और हम उसको कुछ और मान लें तो क्या होगा, अतत्व श्रद्धान। तो मिथ्या दर्शन उसको कहते हैं जो अतत्व श्रद्धान है। मतलब आगे फिर उन्होंने क्या क्लियर किया, उससे क्या होता है, वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, कि वस्तु जैसी है उसका जैसा स्वरूप है हमको वैसा प्रतीत नहीं होता, हमें सही चीज ही पता नहीं लगती। और फिर कैसी पता लगती है, अन्यथा प्रतीति होती है, उल्टी पता लगती है। मतलब जो चीज जैसी है वैसी ना लग करके उल्टी पता लगती है। और फिर क्या होता है, उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से जब हमको उल्टी पता लग गई, उसके निमित्त से जो क्षयोक्षम रूप ज्ञान है, ज्ञान का क्षय और उपशम होने से हमें ज्ञान होता है, कर्म का क्षय और उपशम होने से ज्ञान होता है। तो अब हमारा जो क्षय और उपशम हुआ उससे ज्ञान होता है, तो अज्ञान भी तो होता है, तो अब क्योंकि मिथ्या दर्शन है तो ज्ञान थोड़ी होगा, अज्ञान ही होगा। तो क्षयोक्षम रूप जो ज्ञान है वह अज्ञान हो गया, किसके कारण से हुआ, अन्यथा प्रतीति होने से, मिथ्या दर्शन होने से। उससे फिर क्या हुआ, वस्तु का यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। ऊपर जो बात कही गई है उसी को यहाँ पर रिपीट किया गया दूसरे स्टाइल के अंदर, ठीक है। क्योंकि पहले मिथ्या दर्शन के लिए कहा था, अब मिथ्या ज्ञान के लिए कह रहे हैं कि जो आपका श्रद्धान सही नहीं है तो ज्ञान भी आपका सही नहीं होगा, तो जानना भी सही नहीं होगा। फिर उसके बाद में असंयम की बात कह रहे हैं, तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव। अब जो संयम की बात है वो चारित्र से रिलेटेड है, तो इसलिए अब यहाँ पर चारित्र मोहनीय कर्म के उदय की बात है, कि चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जो कषाय उत्पन्न होती है उसका नाम असंयम है। उसका नाम क्या है, असंयम है। और उससे क्या होता है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, तो जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हर चीज में जैसी जो चीज है उसका वैसा श्रद्धान नहीं होना, जो जिसका जो ज्ञान है वैसा ज्ञान नहीं होना, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए वैसी प्रवृत्ति नहीं होना, यही हमारे दुखों का मूल कारण है। अब हमको ये कितना ख्याल में आएगा, ऐसे कहने से भी अभी हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो हम अब इसको आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं, इस प्रकार ये मिथ्या दर्शनादिक हैं, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण है, किस प्रकार सो बतलाते हैं। अब इन्होंने एक बार एक जनरल फॉर्म में तो बता दिया कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ये दुख के कारण है, और ये सारे दुखों के कारण और मूल कारण है, कारण ही नहीं मूल कारण है, रूट कॉज है। अब वो किस प्रकार से है वो कर्मों को लेकर के उनकी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले इन्होंने ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के नाम से किया है, सबसे पहले, क्योंकि पहले वही आते हैं। तो इन दोनों कर्मों के दर्शनावरण और ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो होने वाला दुख है और उससे निवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं। अब ये टाइटल क्यों बनाया, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ना, पहले कहा कि संसार का दुख भी बतलाएंगे, चैप्टर के अंदर कहा था ना संसार का दुख और उसका मूल कारण, तो संसार का दुख बतलाएंगे और मोक्ष में सुख है ये भी बतलाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ रहे बीच के अंदर कि खाली है ना कारण बता दिया और उसका उपाय तो बताया ही नहीं, वो भी बताएंगे। तो उसके कारण से ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जब क्षयोपशम होगा तो उससे जो दुख होगा, फिर उस दुख से हम बचने के लिए क्या करना है, उससे निवृत्ति कैसे करनी है। बहुत बढ़िया प्रकरण है और यह विषय जो है वो मति श्रुत ज्ञान गम्य विषय है, समझ सकते हैं। कर्णानुयोग का विषय होता है तो वो सूक्ष्म होता है और उसको हम जैसा है वैसे स्वीकारते हैं, उसमें कोई तर्क लगता नहीं है, आगम में जो कहा गया उसको मानते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान गम्य विषय होता है वो। लेकिन ये विषय हमारी अनुभूति में आ सकता है, आता है, तो ये हम इसको माने नहीं, वो एक अलग बात है, पर इसका इसको हम अनुभव में ले सकते हैं जो विषय यहाँ पर चलेगा। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और बार बार पढ़िए, अब जहां पे हमें हम छोड़ेंगे उस टॉपिक को बार बार रोज पढ़िए, तो आपको ख्याल में अच्छे से आएगा कि क्या चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी चर्चा है, हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको ये बात समझ में आएगी। अब क्या कह रहे हैं,
मिथ्या, हाँ कोई पढ़ेगा सिर्फ एक, एक्चुअली एक ही लाइन पढ़ करके मैं बता देती हूँ, तो उसने अभी नहीं भूल, आप मत पढ़िए। मिथ्या दर्शन आदि से जीव को स्व पर विवेक नहीं हो सकता। अब देखो मिथ्या दर्शन आदि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैडम ये मिथ्या दर्शन भी है आ गया इसके अंदर, और अज्ञान भी और असहन भी। हाँ, तीनों बातें आ गई, तीनों, तो तीनों बातों के लिए कहा कि ये जब तीनों होते हैं ना, जीवन जीव को स्वपर विवेक नहीं हो सकता। स्वपर का विवेक नहीं हो सकता मतलब मैं कौन हूँ और पर कौन है, कौन मेरा है कौन पराया है, ठीक है ना, अपना घर और दूसरे के घर में डिफरेंस नहीं होता उसको। तो ये कब होता है, जब हमने, जब जीव ने शराब पी होती है ना, तो उसको पता नहीं लगता मेरा घर कौन सा है दूसरे का घर कौन सा है। वो पड़ोसी के घर में भी यही सोच के जाता है मेरा ही घर है, अब वहां पे घंटी बजाता है ना। अभी हमने मोह की शराब पी हुई है तो इसलिए हमें स्वपर का विवेक नहीं होता। फिर आगे क्या कहा, स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न, उसी पर्याय को स्व मानता है, तथा आत्मा का दर्शन विभाग ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है, और कर्मोपाधि से हुए क्रोधादिक भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं, तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है वह प्रकट है, और स्थूल कृश आदि होना तथा स्पर्श आदि का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं, इन सब को अपना स्वरूप जानता है। देखो पहली जो लाइन कही ना, उसको सपोर्ट करते हुए पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि स्वपर का विवेक नहीं हो सकता। मिथ्या दर्शन, अगर मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम है तो जीव को स्वपर का विवेक नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे भैया समझ नहीं आ रहा है स्वपर का विवेक नहीं हो सकता, तो बता रहे हैं पंडित जी कि स्वपर विवेक से क्या मतलब है, कि दूसरे अधिकार में भी उन्होंने चर्चा की थी कि मैं कौन हूँ, मेरा कैसा हूँ, असंख्यात प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ। तो एक तो मैं हूँ, स्वयं एक आत्मा लिखा है ना, एक तो मैं हो गया, और मेरे पास कौन है यहाँ पे, अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, ठीक है ना, क्या है मेरे पास, शरीर, और शरीर कैसा है, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। अब हमने क्या किया, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है, तो मनुष्य आदि जो पर्याय हमने प्राप्त की, तो मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंश हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, पता नहीं कितनी चीजें हमने अपने साथ में जोड़ ली और अपने आप को उस रूप समझने लगे। कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे आसपास है उसको अपने में मिला लिया, हमने अपने में मिला लिया, है तो वो पर लेकिन अपने में मिला लिया। अब अगर हम लक्षण से मिलान करें तो हमारे गुणधर्म मतलब जीव के गुणधर्म और शरीर के गुणधर्म दोनों जुदा जुदा है कि नहीं, दोनों अलग अलग है कि नहीं, उद्गल धर्म अधर्म काल इनकी न्यारी वो है ना छेड़ा लग, इनते न्यारी है जीव चाल, इनते न्यारी है जीव चाल। तो मिथ्या दर्शन के उदय से सब भूल गया कि जो जो पर वस्तुएं थी उनमें भी क्या किया, आत्मपना स्थापित कर लिया। तो आत्मा का स्वभाव तो क्या था, ज्ञान दर्शन, और उसके द्वारा ही सब कुछ जानना होता है, लेकिन इसने क्या किया, शरीर को अपना मान लिया, और शरीर का नेचर क्या है, दुबला पतला होना, मोटा मोटा रहना, लंबा छोटा होना, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ जो तथ्य बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि जहां आप रहते हो वहां क्या होता है, आप शरीर के अंदर जीव का है, शरीर में है, तो शरीर के साथ साथ क्या है, एक तो शरीर, एक तो आत्म जीव हो गया और दूसरा शरीर हो गया। शरीर कैसा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और साथ में कर्म की उपाधि से होने वाले मोह राग द्वेष, कर्मोपाधि से होने वाले जो परिणाम है, जो राग द्वेष है, जो विकारी परिणाम है, वो सब पाए जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे समझ आई, जो यहाँ पे कहा है कि स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, और इस शरीर से क्या हुआ, इनके संयोग से मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न हुई, उस पर्याय को ये अपनी मान लिया। और जो आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, जिससे कुछ जानना देखना होता है, किंचित मतलब कुछ, उस जिससे कुछ जानना देखना होता है, और
कर्म की उपाधि से, कर्म के कारण से, कर्म के निमित्त से क्रोधादि भाव रूप उसमें परिणाम पाए जाते हैं। और शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है वह प्रकट है, शरीर तो पुद्गल है तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं तो प्रकट है। और स्थूल कृश, स्थूल मतलब मोटा, कृश मतलब पतला, मोटा पतला आदि होना और स्पर्श आदि का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं, इन सबको अपना स्वरूप जानता है। अब हम ये सब काम, हम ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सबको पता है मैं एक आत्मा हूँ, शरीर है वो भी पता है। अब शरीर के साथ में हमारा अपनापन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कितना चल रहा है, कब कब चल रहा है, तो ये सब हमको स्वयं के विचार करने की वस्तुएं हैं। पंडित जी जितनी बात कह रहे हैं उसको अपने ऊपर लगा करके देखिए, ये मत सोचे कि पंडित जी लिख रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं, नहीं, वो हमें संबोधित कर रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। तो अगर हमने अपने पे नहीं लगाया तो हमको भाव भसना नहीं हो पाएगी। आगे देखिए, पढ़ेगा कोई ये पैराग्राफ? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ लीजिए। वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है, इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग हैं। इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ, ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। बस अब क्या है, बीमारी बता रहे हैं। तो बीमारी क्या है कि जिस शरीर में हमने जो पर्याय प्राप्त, मतलब जिस शरीर से जो पर्याय प्राप्त की, तो पर्याय प्राप्त की तो उसमें इंद्रियां भी थी, मन भी था, तो इंद्रिय और मन के कारण से, उनके माध्यम से हमारे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति होती है। तो मैंने क्या किया कि जिनके माध्यम से ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति होती है, ऐसे जो मेरे स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, मन है, ये मेरे पार्ट है, मेरे अंग है, मेरे हिस्से हैं, ये मैं हूं, मैं ही हूं। पूरा विश्व प्राणी मात्र इस सब के चक्कर में है। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से ऐसे मानता है कि मैं आंख से देखता हूं, आंख ही देखती है और आंख ही मैं हूं, कान ही मैं हूं। मतलब ज्ञान दर्शन इंद्रियों से प्रभावित होता है, हम कान से सुनते हैं, मन से विचार करते हैं, पर इनमें से एक मैं भी हूं, मतलब अपने आप को वही मान लेता है। मिथ्यात्व के उदय से अपने अंगों को जानते हैं और उनसे क्या करते हैं, प्रीति भी करते हैं, स्नेह करते हैं। और देखो, प्रीति या स्नेह उत्पन्न करने के लिए इंद्रियों के साथ कुछ करना नहीं पड़ता है। जिन जिन हमको कब होती है प्रीति, समझना, जिन पदार्थों से अपनापन होता है ना, उन पदार्थों के प्रति प्रीति अपने आप हो जाती है, कुछ करवानी नहीं पड़ती। बच्चा पैदा होता है तो माँ को क्या प्रीति करवानी पड़ती है क्या? हम कोई भी सामान घर में लाए, बच्चा तो चलो चेतन हो गया, अभी आप एक गाड़ी भी घर में ले आओ तो आपको उससे प्रीति हो जाती है। अपनापन, अपनापन इंपॉर्टेंट है। अपनापन होते ही पदार्थों के प्रति प्रीति अपने आप हो जाती है। अरे और तो और, अगर किसी का कोई सामान कचरे के ढेर में रखा हो तो कचरे के ढेर से भी प्रीति हो जाए अगर उससे अपनापन हो तो। तो ये दो चीजें हैं, समझ लेने की बात है कि एक तो मान्यता और दूसरा मान्यता का साइड इफेक्ट। मेरी मान्यता क्या है, ये मेरे हैं, और साइड इफेक्ट क्या है, उससे अपने आप राग हो जाता है, अपने आप ही राग हो जाता है, ये साइड इफेक्ट है। मेरे हैं कहते ही राग हो जाता है, ये साइड इफेक्ट है। तो ये हमको समझ लेना है कि क्या कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति किससे होती है, इंद्रिय मन के द्वारा। तो इसलिए वो क्या मानता है कि जीभ, त्वचा, नासिका, जितने भी मेरे इंद्रियां हैं, ये मेरे अंग हैं और इनसे ही मैं देखता जानता हूं। और ऐसी मान्यता करने से इंद्रियों में उसकी क्या होती है, प्रीति पाई जाती है। पढ़िए नेक्स्ट। तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है, और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटाने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है, उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। सो विषय में तो स्वाद नहीं है ही नहीं, स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा निह केवल ज्ञान का
तो अनुभवन है ही नहीं। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। उससे विषयों की ही प्रधानता भासित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। हाँ जी, अभी क्या कहा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पंडित जी के लिए क्या मुद्दा है कि संसार का दुख बताना है और मोक्ष का सुख बताना है। तो अब उन्होंने क्या बताया, संसार के दुख के मूल कारण बताए, तो उन्होंने तीन शब्द प्रस्तुत किए थे। कौन कौन से तीन शब्द प्रस्तुत किए थे? मिथ्या ज्ञान, दर्शन, अज्ञान और संयम। दर्शन, अज्ञान और असंयम, ये रटना कह सकते हैं ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य। नहीं, पंडित जी ने जो शब्द प्रयोग में लिए ना, उन्हीं को लीजिए आप। अभी यहाँ पे कह तो कुछ नहीं सकते हैं, पर बात ये कि अभी जिस शास्त्र की चर्चा चल रही है, हमको उसी के अनुरूप बोल लेंगे हम, ठीक है ना। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम की बात की है। अब इसका विस्तार कर रहे हैं यहाँ पे, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख है। अब ये कर्म परमाणु है, ज्ञानावरण आदि, ये हम जानते हैं ये सब चीजें। तो जो कुछ भी ज्ञान आपको अभी है, जो प्रकट ज्ञान है, वो कैसे हो रहा है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से हो रहा है। देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय हो तो हम जान ही नहीं सकते, उदय में जान नहीं सकते, तो जानते कब है? जब क्षयोपशम। तो वर्तमान में केवल ज्ञानावरण का उदय है, केवल ज्ञान जो है उसका उदय है ना, केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है। मतलब क्या है कि अब हम पूरे विश्व को नहीं जान सकते, जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे किसका उदय है? केवल ज्ञानावरण का, ठीक है। अब हम जो कोशिश करते हैं ना सारे संसार को जान ले, तो कैसे जानोगे? केवल ज्ञानावरण का उदय है अभी आपके। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम है अभी, मतलब वर्तमान में जो कुछ प्रकट ज्ञान है वो हम जान सकते हैं, उस जो हम जान रहे हैं वो क्षयोपशम के कारण जान रहे हैं। तो जो शरीर हमको मिला है, जो इंद्रियां मिली हैं, हमने उनको अपना अंग जाना है, उन अंगों के प्रति हमने उन इंद्रियों में प्रीति करी है, तो अब क्या हुआ? मोह का उदय हुआ। मोह का उदय, मोह के आवेश से, आवेश का मतलब फोर्स, उदय। तो मोह के उदय से क्या हुआ? अब इंद्रियों के द्वारा हमको विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। मोह का उदय होगा तभी तो हम इंद्रियों से अपना उनका विषय ग्रहण करेंगे, आंख से देखूं, रसना से चखूं, मन से सोचूं, ऐसी इच्छा होती है। अब वो इच्छा जब पूरी हो जाती है तो वो इच्छा मिट जाती है, जो इच्छा शुरू हुई थी वो मिट गई, अर्थात इच्छा संबंधी आकुलता हमारी मिट गई, निराकुल हो गए। अब हमने क्या मान लिया? अब आनंद आ गया, अब मजे आ गए। तो कैसे निराकुल होकर हम आनंद मानते हैं, इसका दृष्टांत दिया है इन्होंने कुत्ते के द्वारा। इसका दृष्टांत देकर एक रहस्य समझाया कि हमको भ्रांति होती है कि मैंने ये जो बढ़िया गीत सुना है, ये जो एक अच्छी मूवी देखी है, उससे मुझे आनंद आया, ये जो बढ़िया पदार्थ खाया है, ये जिस बढ़िया परफ्यूम सूंघा है, इससे मुझे आनंद आया, मजा आया, ये हमको भ्रांति है। तो पर असली आनंद कहाँ से आया है? ये देखो, जो हमने ये लिस्ट गिनाई है ना कि मैं मेरे को ये खाने से सुख हो रहा है, ये पीने से, ये सूंघने से, ये जो हम लिस्ट दिखा रहे हैं विषयों की, इंद्रियों के विषयों की, उनमें सुख नाम का गुण है कहाँ? सुख आया कहाँ से? नहीं समझ आया? मतलब आपने पिक्चर को देखने में सुख माना, तो पिक्चर में सुख नाम का गुण है क्या? सवाल तो ये है। तो क्या हुआ? सुख तो स्वयं के अंदर से था, तो इसलिए आ गया, वहीं से आया। अब मुझे क्या लगा? पदार्थ से आया, मूवी से आया, तो विषय ग्रहण से आया। तो हम क्या करते हैं? निरंतर उनको ग्रहण करने की इच्छा करते हैं, तो इच्छा जीव के निरंतर पाई जाती है। अब जैसे कुत्ता क्या कर रहा है? कठोर हड्डी है, उसको चबा रहा है, चबाने से जबड़े में दर्द हो रहा है, जबड़ा छिल रहा है, वहां से खून निकल रहा है, और उसको आनंद आ रहा है, अपने ही खून को पी करके उसको अच्छा लग रहा है, उसको स्वाद आ रहा है। वो क्या समझ रहा है? हड्डी में से स्वाद आ रहा है, ये हड्डी का स्वाद। अब ये समझना, देखो पंडित जी ने कैसा उदाहरण दिया है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया होगा किसी कुत्ते को, और कैसा उदाहरण दिया है कि हड्डी का स्वाद है कि उसके स्वयं के रक्त का स्वाद है।
हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, हम विषयों का जो ग्रहण करके आनंद मानते हैं वो आनंद नाम की जो पर्याय है किस द्रव्य की है यह तो बताओ, आया कहां से? पंडित जी ने कहा कि मैंने स्वयं ही इच्छा उत्पन्न की और स्वयं ही उस इच्छा को मिटाया। तो इच्छा उत्पन्न करने से तो आकुलता हुई और इच्छा मिटने से मैंने अपने आप में निराकुलता मानी। यही करते हैं ना अपन दिन रात कि कोई सी चीज की इच्छा की वो पूरी हो गई तो हम निराकुल हो गए। तो आकुलता और निराकुलता का पदार्थों के ग्रहण करने और ना करने से कोई लेना देना ही नहीं है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लेना देना था किससे, इच्छा के उत्पन्न होने से और इच्छा के नाश से, प्रॉब्लम वहां थी। बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं कि इच्छा क्या, हमने जो इच्छा की और इच्छा का जो समाप्त हो गई वहीं पे है सारी चीजें। देखो मैं फिर से पढ़ रही हूँ, मोह के आवेश से जब मोह का उदय हुआ तो इंद्रियों के द्वारा हमने विषय ग्रहण करने की इच्छा की, इच्छा की और विषय को ग्रहण करने पर उस इच्छा की मिटने से निराकुल हुआ, आनंद माना और उदाहरण दे दिया कुत्ते का। अभी कुत्ते वाला उदाहरण तो मैं नहीं ले रही, हमारा भी बस ऐसी स्थिति है कि जो जीव विषयों को जानता है उससे अपना उसमें अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है विषय का स्वाद है, तो विषय में तो स्वाद है नहीं, स्वयं ही इच्छा की थी उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। परंतु मैं कैसा हूं, अनादि अनंत ज्ञान रूप आत्मा, ऐसा नहीं केवल, नहीं केवल पर से केवल भिन्न, क्या मतलब है इसका, खालिस केवल ज्ञान, खालिस केवल ज्ञान मतलब ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना जानना, इसका तो अनुभव है नहीं भाई। मूलभूत वस्तु की तो प्रतीति है नहीं, वो तो गौण हो गया और जो पर्याय आश्रित था उसको हमने प्रमुख कर लिया। उसके लिए कहा है नहीं केवल ज्ञान, मतलब पर से केवल, जो पर से भिन्न केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान जो है, ओनली ओनली ज्ञान, उसका अनुभव तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थों का स्वाद लिया, पदार्थों का स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे दिए कि हम क्या क्या करते हैं अलग अलग एंगल से, अलग अलग इंद्रियों की दृष्टि से, कि इस प्रकार ये मिश्रित ज्ञान का, ये देखिए अंडरलाइन कर दीजिए, ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव है। कैसे है ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव, क्या मतलब है इससे, ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव से देखो इंद्रियां क्या करती हैं, जानने का काम करती है। कैसे जानती है, जो पदार्थ जैसा है वैसे ही जानती है। कभी पार्शलिटी करते देखा है क्या आंख से, कि आंख है ना कान का काम कर दे या नाक का काम कर दे, नहीं, अपना अपना काम करती है और जो जैसा है उसको वैसा बता देती है। अब ये कुत्ता किसका स्वाद ले रहा है, खून का कि हड्डी का, बोलो, खून का है ना, का पर वो मान क्या रहा है, हड्डी का, हड्डी का। तो अब इसने जो रसना इंद्रिय थी उसने खून का स्वाद लिया और माना क्या, हड्डी का स्वाद। तो वह हड्डी मिश्रित स्वाद का जो अनुभव कर रहा है तो वह हड्डी से कोई मतलब ही नहीं, हड्डी तो हड्डी में और खून खून में है, दोनों एक दूसरे से मिले जुले भी नहीं है, और पर स्वाद खून का लेता है और मानता हड्डी का। इसी को कहते हैं ये मिश्रित ज्ञान का अनुपन्न, ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव। देखो वर्तमान में जो हमको जानना हो रहा है ना वो मेरे ज्ञान का है, वो मेरा ज्ञान है, पर मान क्या रहे हैं वो अलग बात। तो वास्तविकता क्या है और समझ क्या रहे हैं, तो बात यहीं पे समाप्त हो जाएगा, जो जैसी है उसको वैसे ही मान ले, लेकिन जो जैसी है वैसा मान नहीं रहे। तो स्वाद हम एक जगह बैठकर ले सकते हैं इस चीज का, उसकी बजाय हम क्या करते हैं, हमको क्या, हम देखो हमको घूमने फिरने में मजा आता है ना, हमको अपने घुटने तुड़वा करके मजा आता है। अब कितनी बार ऐसा है, हैदराबाद में एक बहुत बड़ा मॉल है, शरद सिटी मॉल, शायद कविता जी आए हो तो पता नहीं मुझे, तो बहुत बड़ा मॉल है, बैठने का कुछ नहीं मिलता, बाहर रखी है मॉल वालों ने कुछ प्लेसेस, लेकिन वो सब ऑलमोस्ट हमेशा ऑक्यूपाई ही रहती है, क्यों, इतना बड़ा मॉल, बैठने को कहीं जगह नहीं, तो आदमी को सब भरे ही रहते हैं। अब आपको बैठने की जगह नहीं, अब आप अपना घर छोड़कर गए ना वहां पे, क्या क्या करने गए, शॉपिंग करने गए, शॉपिंग में दुख और फिर ऊपर से जो खड़े रहे उसका दुख, तो अब आप घर में बैठकर क्या आराम से शांति का अनुभव नहीं कर सकते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक जगह बैठ करके जो आनंद ले सकते थे उसकी जगह हम क्या करते हैं, आनंद कब लेना चाहते हैं, घुटने तुड़वाने के बाद, दर्द कराने के बाद, पैरों में दर्द कराने के बाद। ये मिश्रित क्या, चित्त में भ्रांति हो गई। अब देखो उस कुत्ते को कौन समझाए कि भाई जो तू ये कर रहा है ना, ये जो देखो स्वाद आ रहा है जिसमें तू आनंद मान रहा है, वो आनंद सच्ची का नहीं है, तेरा अपना ही रक्त है, तू अपने आप को चोट पहुंचा के, अपने आप को पीड़ा पहुंचा के आनंद मान रहा है।
हम भी यही करते हैं ना, अपने आप को पीड़ा पहुंचा करके आनंद मानते हैं, पर उसका चित्त ने स्वीकार कर रखा है उस चीज को, तो वही मानता है, उसकी भ्रांति है। हम सबकी भी ऐसी ही दशा है कि हम ये मिश्रित ज्ञान के अनुभवन के अंदर ही प्रसन्न रहते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, उसी को उसी में ही हमको विषय प्रधान दिखते हैं, उसी की प्रधानता दिखती है। तो ये हमारे अंदर ये अज्ञान जो है वो लबालब भरा पड़ा है, इसकी जिसे कहते हैं ना कि ऊपर तक भरा पड़ा है, हर वस्तु के अंदर हम ये मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करते हैं। तो ये चर्चा यहाँ पर पंडित जी ने की है। तो इस प्रकार जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। ये अंडरलाइन कर लीजिए कि निमित्त क्या है, मोह। मोह इंपॉर्टेंट है। विषयों की इच्छा कैसे पाई जाती है, मोह के निमित्त से। मोह के निमित्त से क्या पाई जाती है, विषयों की इच्छा पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे का पैराग्राफ पढ़ लीजिए। वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं। इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिक से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी बाहरी अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। हाँ, सारी जड़, सारी फसाद, झगड़े की जो फसाद है वो क्या है, इच्छा। अब कुछ लोग आपको ऐसे भी कहते हुए मिल जाएंगे कि देखो दिक्कत क्या है, खा लो पी लो मजे करो, वर्ल्ड टूर पे जाओ, समस्या क्या है, आपको जो मिल रहा है उसमें आप खुश होना, खुशी मान रहे हो ना, तो कर लो, उसको क्या दिक्कत है, आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर लो। लेकिन यहाँ पर पंडित जी बहुत जबरदस्त बात आगे बता रहे हैं, जिसे कहते हैं ना एक एक का हृदय खोल कर रख दिया इन्होंने, ऐसी बात कर रहे हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा की बात बता रहे हैं यहाँ पे। कि कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं कि इच्छाओं को दबाना ठीक नहीं है, उनको पूरा कर लेना चाहिए, तो भैया समस्या है उसमें भी समस्या है। क्या कहते हैं, अरे एक जो इच्छा हो रही है ना उसको पूरी करो, टेंशन फ्री हो ना, क्या रखा है, और फिर धर्म धर्म में लग जाओ, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या समस्या है। पर समस्या है भैया, एक इच्छा नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, समस्याएं तो अनेक है, और अनेक नहीं है, इतनी है कि सारे विषयों को ग्रहण कर लूं, और कौन से, त्रिकालवर्ती। अब त्रिकालवर्ती कहने का मतलब क्या है, तीन काल में होने वाले, मतलब जो भूतकाल में भी जो विषय ग्रहण कर लेते ना उनको भी जानने की इच्छा है, वो भी याद रहे कि कहाँ कहाँ जा जाकर आए थे, कहाँ कहाँ क्या क्या करके आए थे, क्या क्या आनंद लिया था, क्या क्या पहना था, सब सब याद रहना चाहिए, सब ध्यान में रहना चाहिए। वर्तमान का तो जो भोग है भोग ही रहे, भविष्य में जो होने वाला उसको भी जानने की इच्छा है ना। इतने जो ज्योतिषी खोल के बैठे हैं वो किस लिए खोल के बैठे हैं, भविष्य बताने के लिए तो बैठे हैं, नहीं बैठे क्या, तो हम जाते हैं उन लोगों के पास जानने के लिए। और पता सबको है कि भैया ना, उनको उनको अपना नहीं पता, हमारा क्या बता देंगे, और अपना पता है तो उनको पता होगा ना फिर उनको क्या क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इन सब के बारे में। तो क्या कह रहे हैं कि अपना अपना कोना टटोलना, आप सब लोग अपने अपने को, अपने हृदय को देखना कि क्या कह रहे हैं पंडित जी, और हमारे ऊपर कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। इसमें जितनी बातें आ रही है ना वो सब कहीं ना कहीं हम सबके बीच में है, कोई नई बात भी नहीं कह रहे हैं। जो आज तक चल रही है वो 500 साल पहले से जो चर्चा चल रही थी आज भी वही चर्चा है, कहीं कोई फर्क नहीं आया है। तो क्या कह रहे हैं पंडित जी कि देखो कितना सुनना चाहते हो, कितना देखना चाहते हो, कितना चखना चाहते हो, सर्वभूत सारे सारे विषयों को, सब भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल सब कुछ को। लेकिन क्या कहा उन्होंने बाद में कि वह इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है, कि मैं सबका स्पर्श करूं, स्वाद लूं, सूंघूं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इच्छा तो इतनी है। अब उसके बाद में ब्रेक लगा दिया, स्पीड ब्रेकर आ गया, परंतु 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 शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, इनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे। अब बताइए, चाहते तो हम बहुत कुछ है लेकिन कर थोड़ा सा पाते हैं, पावर ही नहीं है हमारे अंदर, इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम इतना कर सके, हम कितना कर पाते हैं जो हमारी इंद्रिय के सामने आया है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, पूरा शास्त्र पढ़ा है मोक्षमा प्रकाशक, हम तो चाहते हैं सारा पढ़ जाए, अभी पढ़ जाए, कैसे पढ़ेंगे, अभी मैंने जितना
पैराग्राफ हाईलाइट किया ना उतना ही पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो पूरा ग्रंथ चाहते हैं लेकिन अभी अब इतना ही पढ़ रहे हैं। तो इच्छा तो बहुत है लेकिन हमारे इंद्रियों के सामने वर्तमान में जो विषय आता है उसको उसमें से भी थोड़ा ही ग्रहण होता है। मैं बोल रही हूँ इस पैराग्राफ के बारे में, अब जरूरी थोड़े कि आपको सारे को सभी लोगों को सब कुछ जो बोला है वो समझ में आ जाए, सबका एज इट इज ग्रहण हो जाए, कुछ कुछ अन्यथा ग्रहण भी हो जाता है कभी कभी। क्यों? ज्ञान ज्ञानावरण कर्म का उदय आ जाए तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए क्या कहा कि स्मरण आदि द्वारा मन द्वारा किंचित जाने सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो, इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। अब क्या है, जैसे एक टाइम हो गया है हमारा और मैं चाह रही हूँ कि अगला भी ले लूँ, तो मैं अभी एक स्टोरी सुनाना चाह रही थी, मैं नहीं बताती अभी, एक शॉर्ट में बोलती हूँ कि मान लीजिए किसी कोई भिखारी है, उसको कहा जाए कोई लक्ष्मी जी प्रकट हो जाए, स्टोरी है, स्टोरी की तरह समझना उदाहरण के लिए, कि है ना बोल क्या मांगता है कि ये थैला खोल दिया फटा हुआ कि लो जी इसमें डाल दो जो भी, ये धन दे दो थोड़ा सा, तो ठीक है थोड़ा सा डाल दिया लक्ष्मी ने, कि फिर लक्ष्मी की तरह देख लें थोड़ा और दे दो तो और इस ये फटा हुआ है गिर जाएगा इसमें से, थोड़ा सा दे दो थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा डाल दिया, तो फिर उसके बाद लगा उसको कि अरे तो इतना सही है, अभी तो थैला तो खाली पड़ा हुआ है, थोड़ा सा और दे दो, एक तरह थैला फटा हुआ है, ये जो सोने के सिक्के हैं ये जब तक ऊपर है तब तक ही सोने के हैं, नीचे गिरते ही धरती पर मिट्टी के हो जाएंगे, तेरा थैला फटा हुआ थोड़ा सा चल जाएगा थोड़ा सा डाल, वो थोड़ा थोड़ा करते करते उसने थोड़ा करते करते पूरा थैला भरवा लिया और थैला फट गया और सारे सिक्के नीचे कुछ नहीं मिला, मिट्टी हो गया। हमारी और आपकी दशा ऐसी है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। हम क्या चाहते हैं, इच्छाएं बहुत बहुत इच्छाएं, ये जान ले वो जान ले, ये ले ले वो ले ले, लेकिन कर कितना पाते हैं और आ भी जाए तो कितना भोग पाते हैं, सवाल तो ये है ना। अगर हम इस सब पर विचार कर लेना तो हमारा पता है बहुत सारा परिचय अपने आप कम हो जाता है। अगर ये आ जाए अरे ये सामान में लाई थी, इतनी ड्रेसेस खरीदी थी कितनी काम में आई, और एक बार वन टाइम यूज या कितनी तो अभी तक यूज ही नहीं हुई है और दो दो तीन तीन साल से ही पड़ी हुई है क्योंकि कोरोना में इतना जाना गाना कम हो गया, तो भी पड़, अब जैसा मौका वैसे ही तो पहनेंगे। हमारी लेडीज की तो ये भी तो प्रॉब्लम है, हर इवेंट के हिसाब की चीजें होती है हमारे पास में, हर तरह की ड्रेसेस होती है तो कुछ तो रखी भी रह जाती है। तो ये विचार करें कि ये कितना मतलब का, कितना मैं भोग पाऊंगी कि नहीं, कल का ठिकाना है कि नहीं है, और हम क्या भविष्य के लिए सेव करके रख लेते हैं चीजों को, कितनी चीजें ऐसी हम रखते हैं कि शायद कभी काम आ जाए और जरूरत पड़ने पर मिलती भी नहीं है, वो भी समस्या हो जाती है, ज्ञान का श्रेयोक्षम है ना। तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं, तो हमको विचार करना है कि ये जो तरीका है हमारा कि हम जो कुछ भी ये देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं, पीना चाह रहे हैं, हमारी पावर कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, सामर्थ्य कितनी है, उसका तो अंदाजा होना चाहिए ना। तो इसलिए कहा कि इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, और इच्छा पूरी कब होगी, केवल ज्ञान, एक ही बार है केवल ज्ञान, और केवल ज्ञानावरण है हमारे, तो केवल ज्ञान है तो हम सब कुछ जान ही नहीं सकते। केवल ज्ञान क्या करता है, सारा तीन लोग तीन तीन काल को सबको एक साथ झलक जाता है ना, तब केवल ज्ञान में हम अभी जानना चाहें, हम लगा ले न्यूज टीवी पे, पूरे विश्व भर की न्यूज एक घंटे भर आती है, 100 न्यूज आती है कभी कभी, तो वो कभी कभी क्या रोज ही आती है, तो वो न्यूज को देख ले कि सारे संसार को जान ले, कितनी याद रहती है, पूरा अखबार भी पढ़ ले तो भी याद नहीं रहता कि क्या पढ़ा है, जानना चाहते हैं ना। तो ये होता है, ये तो चलो अखबार की बात है, अगर हम ग्रंथ भी लिखेंगे, हमने अभी तक पढ़ा भी है, कितना याद रहा, कितना, थोड़ा सा, क्यों, कारण क्या बता रहे हैं पंडित जी, ये कह रहे हैं कि शक्ति इतनी ही है कि इंद्रिय के सम्मुख आने वाले जो वर्तमान में पदार्थ है, वर्तमान में जो विषय है उसमें से भी किंचित मात्र को ग्रहण करता है, और स्मरण करने से मन द्वारा जो किंचित जाना है तो ही अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो, याद भी हमको तब नहीं हो पाता। तो इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, और इच्छा पूरी कब होगी, केवल ज्ञान होने के बाद ही होगी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, समय हो गया है, क्योंकि इस विषय इसमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो विषय है ना उसमें तो उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा, तो वो हम अगर पढ़ भी लेंगे इस पैराग्राफ को तो भी हमारा काम होगा नहीं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगली चर्चा ले लेंगे। क्षयोक्षम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं, इच्छा की ही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको बार बार पढ़िए, बार बार जब पढ़ेंगे ना
विषय ऐसा ख्याल में आएगा, ऐसा जैसे कहते हैं ना हाथ में मक्खन की तरह आपके आ जाएगा कि आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। अभी बार बार पढ़िए, इस वीक में ही पढ़ डालिए, तो उससे क्या होगा आपको आगे का विषय बहुत अच्छे से ख्याल में आएगा और ये विषय भी सही हो जाएगा। अर्चना जी को गंधर करना है, 5 मिनट में आप गंधर कर लीजिए, जिनको जाना है वो जिनवाणी स्तुति करके निकल सकते हैं। चलिए अर्चना, एक मिनट, मैं अर्चना सेठी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार के पेज 45-47 का गंधर कर रही हूँ। उसमें सबसे पहले पंडित जी ने दोहे का उक बताते हुए बोल रहे हैं कि अपने भाव की बात कर रहे हैं और अपने को ही प्रकाशित करने को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरे को छोड़ दो, अपनी तरफ देखो, अपना निज भाव सदा सुखद होता है, दूसरों की ओर मत देखो, संसार में बहुत दुख है, उनकी सत्ता का नाश करना है। और अगर हम उनकी सत्ता का नाश नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने स्वभाव में नहीं गए हैं, तो हमें अपने स्वभाव की ओर देखना है, तभी हमारे दुखों का मूल कारण समाप्त होगा। उसके आगे वो कह रहे हैं कि संसार में दुख तो अनेक हैं, अगर संयम, अगर उसमें सुख हो तो मुक्ति का उपाय क्यों करेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें मोक्ष का उपाय करना है। और आगे ये इसी की चर्चा करते हुए बता रहे हैं वैद्य का एग्जाम्पल लेते हुए कि वैद्य जो है वो हम पेशेंट के पास जाते हैं और सबसे पहले उसको उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, उसकी रुचि जगाते हैं उसके लिए कि तुम्हारे को ये प्रॉब्लम क्यों हुई और फिर उसका इलाज करेंगे। उसी तरह से हम भी कर्म बंधन रूपी रोग में अटके हुए हैं इस संसार में और उसके उपाय से रुचि कराते हुए वे हमें उसका मोक्ष की तरफ का उपाय बता रहे हैं। रोग का मूल कारण वो कह रहे हैं कि हमारा कर्म बंधन ही है। ये सब जो है बताते हैं कि ये सब जो तुम उपाय कर रहे हो ये सब नकली हैं, ये सब छोड़ दो और सही उपाय करो। जिस तरह से हम अगर कभी पार्लर में जाते हैं और वहां पर दिखाते हैं कि हमें आईब्रोज कराने के लिए, तो वो हमेशा हमें ये बोलती हैं कि दूसरे ने जो किया है वो गलत किया है, मैं आपके लिए सब काम सही से करूंगी। इसी तरह से हम भी कई बार बीमारी में होते हैं तो सर टेकने कई जगह जाते हैं, ताबीज भी बनवा लेते हैं और इधर उधर घूमते हैं और सब दुख को सहते रहते हैं, इसलिए क्योंकि हमने उसका सही से इलाज नहीं किया है। उसी तरह से जब तक हम अपने स्वयं के जीवन में ठीक से उपाय नहीं करेंगे तो हम इधर उधर दुख के कारण भटकते ही रहेंगे, क्योंकि हमें अभी तक दुख का भाव भाषण नहीं हुआ है। इस पूरे अधिकार में उन्होंने सबसे पहले रोग का मूल कारण बताया है, फिर रोग से उत्पन्न क्यों उत्पन्न हुआ वो बताया है और उसका उपाय ठीक नहीं है ये बता रहे हैं वो, कि ये सब झूठे उपाय हैं, उसमें रुचि बढ़ाएंगे और सच्चे उपाय से हमारा इलाज करेंगे, क्योंकि हम अनादि काल से हम विपरीतता में विश्वास करते आए हैं। टोडरमल जी यहाँ वैद्य के बराबर हैं, वैद्य हैं जो हमारे वैद्य हैं, जो हमारे जीवन में हमारे रोग का नाश करने का उपाय बता रहे हैं। जब तक हमें महसूस नहीं होगा, हम कुछ उस पर भाषित नहीं होगा, तब तक हम उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे। जिस तरह से हम बच्चे को बोलते रहते हैं कि तू एक कान से सुन रहा है दूसरे से निकाल रहा है और काम नहीं कर रहा है, उसी तरह से हम भी हैं कि हम जब तक हमें भाषण नहीं हो रहा उस बच्चे को तो उठ करके काम करने नहीं कर रहा है। इसका मूल कारण वो बता रहे हैं कि कर्मों की अपेक्षा से सब दुखों का जीवन, सारे दुख का कारण है, मूल कारण है मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। जैसे कि हम खाना खाने बैठे और उसमें बाल आ गया तो हमें क्रोध आ जाता है, तो वो बोल रहे हैं कि ये सब जो है ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम की वजह से है। जहां भी हमारे दुख की सत्ता दिखाई दे वह मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम के कारण ही है। उनका कहना है कि संसार में जो भी तरह के क्रोध, जो भी तरह के दुख हैं, कहीं भी दुख हैं, वो सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ही है हमारे जीवन में। उसकी हमें प्रतीति करानी होगी। जिस तरह से डॉक्टर जो है वो एक्सरे में देखकर हमें बताता है कि हमारी हड्डी में क्या प्रॉब्लम है और फिर उसका इलाज करता है, उसी तरह से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने मूल कारण बताते, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम को बताते हुए
उससे हमारा इलाज करने को बोल रहे हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार और पांच इंद्रिय, इन सब जीवों का दुख बताते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि हम कई बार घरों में बैठे होते हैं, एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठे होते हैं और अपनी पीड़ा दूसरे को नहीं बताते और दूसरा भी हमें देखकर दुखी हो रहा है, ये सब भी मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम की वजह से ही है। आगे वो बता रहे हैं कि ये मिथ्या दर्शन जो है वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाले दुख और उसकी निवृत्ति कैसे करी जाए। दर्शन, वो बोल रहे हैं, दर्शन मुंह के उदय से अतत्व श्रद्धान होता है। अतत्व श्रद्धान का मतलब आंख की जो हमें दिख रहा है उसको, उसकी तरफ सही प्रतीति नहीं है, हमारे को वस्तु स्वरूप की सही प्रतीति नहीं है और जो हम श्रद्धान कर रहे हैं वो सही नहीं है, मिथ्या श्रद्धान कर रहे हैं हम। जैसे कि आंखों का काम है देखना और वह देखने की जगह कुछ और काम करेंगी तो वह गलत है। तो इसका कर्म का क्षय और उपशम होने से जो ज्ञान होता है वह नहीं होगा, वह उल्टा ही होगा, तो वह अज्ञान होगा। इसी तरह से चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जो कषाय होती है वह असंयम है, जैसी जो चीज है वैसी नहीं जानना वह वैसी परिणमित नहीं होगी, वह असंयम है। सो इसलिए मिथ्या दर्शन ही इस सब का मेन कारण है। इसी तरह से ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये सब मति श्रुत ज्ञान का विषय है। मिथ्या दर्शन आदि में मिथ्या दर्शन, मिथ्या अज्ञान और असंयम तीनों आ गए हैं, इसलिए मिथ्या दर्शन आदिक लिखा है। स्वपर का भेद नहीं होता है, जिस तरह से शराबी, अगर एक आदमी अगर शराब पीकर आता है तो वह अपने अपने घर में और दूसरे के घर में भेद ना करके दूसरे के घर की घंटी बजाता है, उसी तरह से हम भी मोह रूपी शराब पीकर आए हैं और अपने और स्व में भेद नहीं कर पा रहे हैं। जो आत्मा है वो तो असंख्यात प्रदेशों का पुंज है और शरीर जो है वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हम जो जीव हैं उन सबको एक मानकर आगे बढ़ रहे हैं तो हम स्व और पर में भेद नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से ये सारे हमारी तकलीफें आ रही हैं। आत्मा ज्ञान दर्शन, आत्मा का ज्ञान दर्शन का स्वभाव है जानना देखना, और कर्मोपाधि रूप विकारी परिणाम जो है राग द्वेष के, उनसे अपने को एक मानता है, शरीर में अपनापन मानता है, से अपनत्व करता है। बीमारी बता रहे हैं, शरीर में जो पर्याय प्राप्त की है जिनके माध्यम से मुझे स्पर्श गंध आदि से देखता जानता हूँ, कान से सुनता हूँ, जीभ से रस का स्वाद लेता हूँ, उन सबको मैं स्वयं मानता हूँ, उन सबको अपना अंग मानता हूँ। तो ज्ञान दर्शन की मान्यता ये है, मान्यता तो है मेरे हैं, सब कुछ मेरे हैं ये सब, और उसका साइड इफेक्ट राग हो जाता है उससे। तो संसार का दुख जो है वह ज्ञानावरणीय कर्म परमाणु है एंड दर्शनावरणीय का क्षयोपशम होता है। इनका कर्म परमाणु है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का कर्म परमाणु है और इनका ज्ञान क्षयोपशम से ही होता है, इंद्रियों से नहीं। वर्तमान में केवल ज्ञान का, केवल ज्ञानावरण का उदय है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम है तो मोह के उदय से इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करने की इच्छा है। इसका दृष्टांत हमें कुत्ते के एग्जाम्पल से दिया जाता है। जैसे कि कुत्ता एक हड्डी खा रहा है, चाहे उसका मुंह पूरा खून से भर गया है उसको चबाते हुए, लेकिन फिर वो खून का स्वाद लेते हुए भी उसको लगता है कि वह हड्डी का स्वाद ले रहा है, तो उसकी वह भ्रांति, ये सब हमारी भ्रांति है। जैसे कुत्ते की, हम परफ्यूम लगाते हैं हमें अच्छा लगता है, हम पिक्चर देखकर सुख सोचते हैं कि हमें सुख मिल गया, लेकिन ये सब सुख नहीं है, ये हमारे इंद्रिय जनित सुख हैं। इनमें सुख नाम गुण का गुण नहीं है, वह हम में है, पदार्थ में नहीं है। इच्छा उत्पन्न हुई तो आकुलता हुई, तो वह खत्म होने से निराकुल हुई, लेकिन स्वयं ही इच्छा कर रहे हैं, मूलभूत वस्तु थी नहीं, वे तो है नहीं। इंद्रियां जानने के काम करती हैं, जिस तरह कुत्ता हड्डी खाता है और मुंह में खून निकल रहा है, वह रसना इंद्रिय खून का स्वाद लेते हैं और हड्डी का मानता है। यह गृह मिश्रित ज्ञान है।
जिस तरह दूसरा उदाहरण ये है कि हम मॉल जाते हैं, कितने भी थके होते हैं लेकिन वहां जा करके थक करके ही हम खुश होते हैं, जो घर बैठ करके घर में आनंद नहीं ले पाते, ये ज्ञान मिश्रित ये है। मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है, सारे झगड़े के सारे झगड़े का फसाद इच्छा ही है। इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, एक खत्म होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, वह त्रिकालवर्ती है, भूत वर्तमान भविष्य दोनों के तीनों कालों में होती है, परंतु शक्ति इंद्रियों में उतनी ही है, जो वर्तमान में सामने आता है वही ग्रहण होता है। जिस तरह से कि एक हम ग्रंथ पूरा पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे सामने जो पंक्तियां नजर आ रही हैं वही पढ़ सकते हैं, पूरा नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से एक भिखारी का उदाहरण देते हुए वो बोलते हैं, दिया है मैम ने कि लक्ष्मी जी उसके सामने आई तो उसके पास एक फटा हुआ थैला था, उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, तो उसमें उसने उन्होंने उसके लिए पैसे डाले तो उसने कहा जरा और, ऐसे जरा और करते करते उसने पूरा थैला भर लिया, लेकिन जैसे ही उसने उठाया वह थैला फट गया और सारा जो उसको सिक्के मिले थे वह सब मिट्टी में मिल गए। उसी तरह से हम हैं, जो अब हम हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम इच्छाओं में उलझे हुए हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल और है कि हमारे पास पहनने के कपड़े बहुत ज्यादा हैं पर हम उनको कभी पहनते नहीं है, उनको लटके रहने देते हैं, विचार सोचते हैं कि आगे काम आएंगे लेकिन जब टाइम आता है तो हमें और एक वो भी नहीं मिल पाते, हम सोचते हैं हमें और लेकर के आने पड़ेंगे। इसी तरह से हम ये हमें विचार करना चाहिए कि देखना जानना पीना चाह रहे हैं पर शक्ति कितनी है, वह तो तभी होगा, शक्ति तभी ज्यादा होगी जब हमें केवल ज्ञान होगा, जो अभी उसका जब अभी है नहीं वो उदय में है, केवल ज्ञान का उदय है इसलिए हम अभी उसको भाषित नहीं कर पा रहे हैं, और कितना भी हो हम किंचित मात्र ही उसको जान सकते हैं, सब चीजों को शब्द रूप नहीं जान सकते, चाहे वो कोई और रसगंध उनसे हो या याद मन से हो, स्मरण आदि करके भी हम करें तो भी हम सब कुछ याद नहीं कर सकते, इसलिए हमारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो पाती है। धन्यवाद। हाँ बहुत बढ़िया, आपने बहुत डिटेल में ले लिया, लेकिन आगे से ध्यान रखें सब लोग, 5 मिनट में ही हमें समरी करनी है। समरी का मतलब सिर्फ समरी, मतलब एग्जाम्पल्स का सिर्फ एक इंडिकेशन कि हाँ इस चर्चा ये एक उदाहरण के माध्यम से हमने समझा, बस खाली उदाहरण बताने की जरूरत नहीं, कोई स्टोरी की बात आई तो हाँ इस कहानी के माध्यम से हमने समझा, बस कहानी बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, बस एक उल्लेख, तो उससे शॉर्ट हो जाएगा एक तो। और दूसरा आप गंधर जब कर रहे थे आज, तो उससे पहले आज आपकी तैयारी क्या थी, क्या कर रहे थे आप, आपने क्या किया था, लिखा था जो मैंने बोला वो लिखे थे, अच्छा, और टेक्स्ट बुक के अंदर अंडरलाइन किया था, है ना। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जब हम गंधर लेते हैं ना तो ये बहुत सरल सा है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, देखो पंडित जी एक लाइन कहकर उसको समझा रहे हैं, वो पहली लाइन बोल दो बस आप, तो अच्छा पहली लाइन बोल दो और उससे रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल है कुछ है उसका इंडिकेशन लिख लो, बस उसका उल्लेख कर दिया, हो गया आपका गंधर, समझ रहे हो। मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा ताकि औरों के लिए भी इजी लगे और समय के हिसाब से चले, क्योंकि 5 मिनट में बंधना आना जरूरी है, जैसे मुझे बंधना आना जरूरी है कि 1 घंटे के अंदर मुझे क्लास कंप्लीट करनी है, वैसे आपको भी 5 मिनट में गंधर आना जरूरी है। जैसे अब यहाँ पर है कि मंगलाचरण के अंदर उन्होंने अपना प्रकाश करने की बात करी और भव के दुखों की, अनेक प्रकार के भव के दुखों की बात की, और उसी में बता दिया कि वो इस अधिकार के अंदर इनका वर्णन करने वाले हैं, संसार के दुख और मोक्ष का, और उसके उपाय भी बताएंगे। आगे अब बात वैद्य के माध्यम से उन्होंने दो बातें बताई कि वो रोगी को मूल कारण बताएंगे रोग का, और साथ में उसको बताएंगे कि ये तो जो उपाय कर रहा है वो सही नहीं है और जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो सच्चा है, और उस उपाय को करने की प्रीति करवाएंगे। आपने कुछ चीजें गलत बोलने में आ गई क्योंकि आप स्पीड से बोल रहे थे, तो कुछ सेंटेंसेस गलत हो गए, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि हम सेम डे ही ये चीज दूसरे स्टूडेंट से पूछें कि कहाँ गलती पाई गई, तो उससे क्या होगा दूसरे भी अलर्ट होकर सुनेंगे, साथ में नोट करेंगे कि कहाँ गलत बोल दिया, है ना, और अपन इस बहाने से तैयार होते हैं और हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अपने वाक्यों पर ध्यान देते हैं। तो क्या होता है,
मैं बोल रही हूँ आप नोट कर रहे हैं, आपको नोट करने की जल्दी है क्योंकि आपको बोलना है ना, तो आपके कभी कभी सेंटेंस इनकम्प्लीट भी रहे हैं और अब आप देख के बोल रहे हो तो वो सेंटेंस कंप्लीट। अब जब आपने जो कंप्लीशन के लिए एडिशन किया ना तो वो कभी 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 वो थोड़ा उल्टा भी गलत हो गया। हाँ जैसे गे से ज्ञान क्या क्या है वो वाला था ना गे मिश्रित ज्ञान, मैं वो बोल ही नहीं पा रही नहीं आपने ज्ञान मिश्रित गे कर दिया अच्छा वहाँ वो कुछ गलत बोल दिया मैंने उसको। हाँ कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है, तो ऐसा दो तीन जगह पे हो गया है ठीक है ना। अब इतना भी मेरे पास समय नहीं है कि मैं किसी और को कहूँ कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या, क्योंकि मैंने बोला नहीं था तो उन्होंने नोट भी नहीं किया। अब सुनते हैं उस समय तो लग जाता है, लेकिन अब बोलने को कहो तो बोलने में नहीं आता कि कहाँ कहाँ क्या गलत हुआ था। तो कुछ गलती होंगी तो वो क्लियर भी हो जाएगी, वो अच्छा रहेगा, कोई रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसको सही रहेगा, तो उसको लगेगा यही सही है ना। वहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं वो चाहती हूँ 5 मिनट में आप समरी करें, 5 मिनट में आपसे प्रश्न पूछ लो, 5 मिनट के अंदर ही 2 मिनट के अंदर कोई बता दे कि क्या मिस्टेक हुई थी। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई मिस्टेक करे ही, अगर हुई है तो उसकी चर्चा करें। साथ ही मैं ये भी चाह रही हूँ कि आम जो पेपर 3 में बुक है आप कुछ भी कहो, ये आप सबके पास में होगी, कहानियां हैं इसके अंदर 10 कहानियां हैं, तो हम हर क्लास में एक कहानी पर डिस्कशन ले लें। डिस्कशन लेने का मतलब एक स्टूडेंट अपने आप को वॉलंटियर करे कि मैं इस कहानी की समरी करूंगा। तीन पेज की स्टोरी है स्टार्टिंग की, 8 स्टोरी 7 स्टोरी, तो 3 स्टोरी थोड़ी बड़ी है, उनको 2-3 लुक कर लेंगे और 2-3 बार में भी कर सकते हैं। तो एक स्टोरी 5 मिनट के अंदर आप उसका संक्षेप में बता दें कि इस कहानी में क्या बात की गई, बस। तो वो क्या होगा, सेल्फ स्टडी बुक है तो वो हमारा साथ साथ काम होता जाएगा और आपके लिए भी समरी लिखने के लिए आगे इजी हो जाएगा ठीक है। थर्ड पेपर की बात कर रही हूँ, थर्ड पेपर में बुक है आप कुछ भी कहो, तो नेक्स्ट क्लास में आप कुछ भी कहो क्या, पहली स्टोरी को पढ़ करके, पढ़ना तो सबको है लेकिन समरी कौन बोलेगा वो आप वॉलेंटियर कर देना, साथ ही नेक्स्ट क्लास में गंधर कौन करेगा वो कर देना। और एक काम और मैं चाहती हूँ, वो है 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट नहीं 2-2.5 मिनट के अंदर कौन पहले वाली क्लास की समरी करे, जैसे आज जो पढ़ाया गया है उसकी समरी। क्या समरी करने का मतलब क्या हुआ, अर्चना जी ने जो बताया ना उसकी भी समरी, सिंपल सी बात ये, तो उससे हमको ख्याल में आ जाए, जो कोई नया ऐड हो रहा हो उसको पता लग जाए लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, मैं वो चाहती हूँ। अब इन सब के अंदर मेरे जो टाइमिंग्स हैं एक्सप्लेनेशन के वो कम हो रहे हैं, ऑब्वियसली 15 मिनट मेरे चले ही जाएंगे, तो 15 से 17 मिनट मेरे करीब चले जाएंगे तो उसमें मेरा एक्सप्लेनेशन कम हो जाएगा, तो मेरा टॉपिक कम चलेगा, आई एम ओके विथ इट। मुझे 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शुरू के 5-7 क्लासेस में आप यही सिस्टम रखें, फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर हमको वो चीज नहीं करनी पड़ेगी कि कोई गलती बताए, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये सोच के कोई हमारी गलती बताने वाला आप गंधर ही ना करें, वो मत करना। मौका मिला है हम अपनों के बीच में ही बात करेंगे और अपने ही बताएंगे, है ना, नहीं तो ये होगा कि आपको कोई हित की बात बताने वाला और आपको पसंद नहीं आ रही है ना। तो कोई बात नहीं, ये तो वाणी का संयोगम है, भाषा वर्गण है, पुद्गल है, जैसी निकलनी थी वैसी निकल गई, गलत भी निकल गई तो भी हम जान रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें कोई दुख की बात थोड़ी है, कोई गलत भी नहीं है, उससे कोई गलत भी नहीं हो गया, निकल गई उस समय, कोई बात नहीं, सबसे होता है, किसी बड़े बड़े लोगों से होता है, बड़े बड़े विद्वानों से होता है, हम और आप तो क्या है, तो उस सबको पर्सनली ना लें और ओपनली ओपन माइंड से करें इस चीज को। और विशेष रूप से मैं चाहूंगी जो हमेशा लास्ट में करते हैं वो लोग पहले कर लें, प्लीज कर लें, क्योंकि इस बार मैं शायद आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी कि आप गंधर लास्ट तक करते रहें, मे बी रीजन कुछ भी हो सकता है, तो वो अच्छा है, जितना जल्दी मोक्षनाथ प्रकाशक के साथ सबके गणधर हो जाए वो सबसे अच्छा है। इसमें करीब हमारी 16 क्लासेस लगेंगी, 16 आवर्स लगेंगी कम से कम इसको खत्म करने में, 16 आवर्स का मतलब 16 स्टूडेंट्स को खत्म कर लेंगे ना अपना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा अर्चना जी, आपसे मैं प्रश्न आपसे पर्सनल लेवल पे पूछ लूं अलग से, या जिनको जाना है या तो वो चले जाए, क्योंकि मेरे को जब टाइम ऊपर होने लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप रुक सकते हो अर्चना जी? हाँ चलिए फिर ठीक है। पहला तीसरा अधिकार के अंदर जो हमने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण में पंडित जी ने कहा
कुछ बात कही है, ठीक है ना, आपने भी उसको प्रस्तुत किया, उसमें थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ हो गया था, इसलिए पूछ रही हूँ कि इसको कर, इस मंगलाचरण से आपके जीवन में क्या फर्क आएगा, क्या समझे आप, आपके आपके लिए क्या है इसके अंदर? उससे हमारे को अपने जीवन की तरफ ये देखना है कि जो अपने खुद के वो दुख हैं, अपना जो स्वभाव है उसमें हम अंदर चले जाएं, उसमें अंदर रमे जाएंगे तो फिर जो दुख हैं हमारे, हम उनसे निकल पाएंगे, उनकी सत्ता का नाश कर पाएंगे, उनकी तरफ ही हमें अपना प्रकाश करना चाहिए, जो अपने अपने भाव हैं, जो ज्ञान दर्शन है, अपना स्वभाव, उनमें ही सबसे ज्यादा सुख है, तो हमें अपना अपना ध्यान उसकी तरफ करना चाहिए नित स्वभाव में। ठीक है, अच्छा, अभी वैद्य और रोगी का उदाहरण दिया पंडित जी ने, तो इस उदाहरण के माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि संसार रूपी जो जो संसार में हमें जो रोग है कर्म बंधन का, उसी तरह से हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, विपरीतता की तरफ भागते रहते हैं सारा टाइम, अज्ञान मिथ्या दर्शन की तरफ। तो उससे हट करके जैसे रोगी है वो अपना इलाज नहीं कराना चाहता, वो ये सोचता है वैसे ही ठीक हो जाएगा, तो हम वो बता रहे हैं कि जैसे वो ये सोचता है रोगी और फिर उपाय नहीं कराता और बहुत तड़पता है अपने दुख में, उसी तरह से तुम भी तड़प रहे हो और इस संसार में घूम रहे हो, भ्रमण कर रहे हो हर अलग अलग भाव में, तो वो सब हटा करके अपने आप को भाव भाषण कराओ कि उसका इलाज जो है वो सही तरह से हो, हम अपना उसका स्वरूप जानो अच्छे से कि कैसे उपाय कर सकते हैं उसका, और फिर उसका उपाय करके मोक्ष की तरफ बढ़ो। पंडित जी मूल कारण बता रहे हैं ना, मूल कारण, हाँ दुख का मूल कारण बता रहे हैं उसको, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि रोग का मूल कारण क्या है, मोह, मोह की वजह से है, ज्ञान दर्शन की वजह से, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा मूल कारण जो है वो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। मेरा प्रश्न क्या था कि उन्होंने इसके वैद ने रोगी के हिसाब से उसका क्या वो किया, उसकी अवस्था का वर्णन किया, रोगी की अवस्था का, तो उसी प्रकार से हमें नहीं, भी मेरा प्रश्न क्या था, कौन बताएगा? मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं। कुमकुम जी आपने सुना था क्वेश्चन? हाँ मैम, क्वेश्चन सुना था कि उन वैद्य जी और रोगी का क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, टोडरमल जी, हाँ बस रोगी और वैद्य के उदाहरण से वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखो इतना सा था मेरा आंसर, तो मैं बताऊँ क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट इनका हो जा रहे, तो नेक्स्ट क्लास से आप ऐसा ही करेंगे कि फिर उनके वो भाव भाषण वाले प्रश्न मान लिए जाएंगे, जो आंसर कर दे उनके वो आंसर मान लिए जाएंगे, ठीक है, जो फिर जब जिसका हो रहा है गंडा वो नहीं आंसर दे पाता, कोई दूसरा देता है तो उसके मान लिए जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। तो यहाँ बस इतना सही था मेरा आंसर, तो इतना डिटेलिंग थी नहीं, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पूछ रही हूँ। ओके, आपने डिटेलिंग कर दी उसको, लेकिन अटैक करना आना जरूरी है डायरेक्ट, है ना, एक्सप्लेनेशन तो वन लाइनर शुड बी देयर। हाँ चलिए, तीसरा प्रश्न है मेरा ये कि इच्छाओं के बारे में, है ना, तो हमको इच्छाएं क्यों होती है? एक मिनट मैम, मोह के निमित्त से हमारे को होती है विषयों में इच्छा। वेरी गुड, हाँ मोह के कारण से ही इच्छा होती है, दैट्स ऑल। बस छोटा सा प्रश्न था, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, अगर आप देखो जैसे मैंने एग्जांपल्स बताए थे बहुत सारे सारे दुखों को लेकर के, अब आपने अपनी गणधर में सारे दुखों में से मतलब मैंने बताया अगर 80% तो आपने 50% कवर कर दिए, नहीं एक उदाहरण बहुत है, अनेक प्रकार के दुख है ना, तो उतना डिटेलिंग में मत जाइए, तो आपका गणधर भी छोटा हो जाएगा, है ना, और एक जो वो आकुलता होती है ना कि हमें सब लिखना है, हाँ, वहां से फोकस हट जाएगा। हम्म,
ठीक है ना। देखिए आपको गणधर करते समय जिसको जो समस्या आती है ना वो मुझे बताइए जरूर, जहां मुझे अनुभव हो जाएगा वहां मैं चर्चा कर दूंगी, जहां नहीं होगा तो वहां अपनी अपनी प्रॉब्लम को बताइए तो मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी, तो वो आपको इजी हो जाएगा। कोई भी चीज कोई भी असाइनमेंट भारी नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे इसमें बहुत सारा करना है ये करना है वो करना, नहीं होना चाहिए, सहजता से हो सब कुछ, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए आपका गणधर भी हो गया पूरा, प्रश्न भी हो गए। किसी को कोई कुछ पूछना है? वैसे तो मुझे लगता नहीं है मोक्षमक प्रकाशक में कुछ पूछना जैसा है, अनुभवन जैसा ही है इसमें तो। मैडम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आज जो गंधर हुआ है तो उसके ऊपर और भी गंधर हो सकते हैं या वो एक ही रहेगा? अभी एक ही, क्योंकि सबके सामने कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। हाँ जब मैं अलग ले रही थी ना तब कोई दूसरा भी बोल सकता, अब आप इसी बात को तो बोलोगे और क्या बोलोगे। हाँ या फिर ये होता कि जैसे टॉपिक्स ज्यादा हैं तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक का आप कर दो वहां से आगे वो ले लें। अच्छा, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है नेक्स्ट क्लास में मैं गंधर करना चाहती हूँ। ठीक है।